हेलो एवरीवन, आज आम अष्टम श्रेणी इतिहास प्रथम अध्याय भारत में कंपनी शासन प्रतिष्ठार थर्ड पार्ट वीडियो पढ़ू एवं वीडियोटी देखा पूर्व आम चैनल को सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दिंतु जद्वारा वीडियो अपलोड हेले आपण नोटिफिकेशन जीव। चलत पढ़ा आरंभ करवा। भारतीय शासक मान सहित साम्राज्य विस्तार पर संघर्ष कौन है ना अलीवर्ती खाँ 1740 ख्रीटाब्दे निजक बंगलार नवाब घोषणा कले। 1740 ख्रीटाब्द रु 1756 ख्रीटाब्द पर्यंत से बंग बिहार और ओडिशार शासनकर्ता होते दीर्घ 16 वर्ष धरिकी से यूरोपीय बणिक मानक निज आयत रखिपारी निज राज्य शांति श्रृंखला प्रतिष्ठा उद्यम कर 1756 अप्रैल मस 9 तारीख में परलोक गमन करते मृत्यु पर नाती सिराजउद्दौला बंगर नवाब हेले। नवाब हेला संपर्क मान शत्रुता कले। सिराज निजर बुद्धि प्रयोग करी सेमानंको परास्त और करगत कले किंतु इंग्रेज मानकर औद्धत्य असह्य कला। इंग्रेज माने तांको बिना अनुमति रे कलिकतार दुर्ग निर्माण और संप्रसारण करिबा कार्य कर चले। अर्थात कौन ना कलिकतार मध्य सेठी इंग्रेज माने निजर मनमुखी कार्यकलाप कर चले दुर्ग निर्माण कले आउ किछि किछि राज्य अधिकार करथिबे कि कौन किसी हो माने निजर क्षमतार संप्रसारण कर चले। सिराजउद्दौलाको फोटो देख पारथिबे आपण वाणिज्य सुविधा को अपव्यवहार कले तो जो कि वाणिज्य सुविधा दिखाई है जहाँ तुम्हें वाणिज्य कर सी तहार अपव्यवहार कले। सिराज यही दुर्ग निर्माण नक आदेश देते इंग्रेज मैंने आदेश को अमान्य कर सिराज 1757 ख्रीटाब्दे कलिकता आक्रमण कले। सिराज आक्रमण भय गवर्नर ड्रेक और ड्रेक अनुगामी मैंने नदी पार हो पलाई गले। ड्रेक और ड्रेक स्थान में हलवेल नूतन गवर्नर ही कलिकतार अवस्थान करुले। सिराज हलवेल और कतेज को बंदी कर आनी एक कोठरी आबद्ध कर रखिले। बंदी मैंने कोठरी शशरुद्ध हो प्राणत्याग करें यह अंधकूप हत्या नाम नामित तुम्हें जाच कि सिराजउद्दौला 25 जून के 25 जून 1756 फोर्ट विलियम दुर्ग मध्य 18 फुट लंब 14 फुट 10 इंच प्रस्त विशिष्ट एक अंधकार कोठरी मध्य 146 जन को प्रस्त विशिष्ट एक अंधकार कोठरी मध्य 146 जन इंग्रेज मान बंदी कर रखिथिले। प्रचंड उत्ताप और तृष्णार श्वासरुद्ध हो 123 जन प्राणत्याग करते इंग्रेज मैंने अंधकूप हत्या नाम नामित करते यानी केते मैंने अति क्षुद्र कोठरी मध्य 146 जन बंदी कर रखिथिले। अत्यधिक ताप हो अंगारकाम्ल त्याग करते पा न मिलवर तृष्णार श्वासरुद्ध हो 123 जन मृत्युवरण करें। सिराज को कलिकता अधिकार खबर पाई क्लाइव और इंग्रेज सेनापति वाटसन मांद्राजु हूँ कलिकता आसिले। कौन है से कलिकता आसीगले। कलिकतार पहुँची क्लाइव चंदननगर अधिकार कले और सिराज सहित सन्धि करते सन्धि फल इंग्रेज मैंने कलिकतार दुर्ग निर्माण करने को अनुमति पाई। सिराजउद्दौला सेनापति मिर्जाफर और रायदुर्लभ सिराज को सिंहासन हटाई देवाई षड्यंत्र कले। षड्यंत्र क्लाइव सामिल है क्लाइव सिराज को हटाई मिर्जाफर को नवाब कराइबार प्रतिश्रुति पलासी युद्ध इंग्रेज और सिराजउद्दौला मध्य होता सन्धि को सिराज अवमानना कर अभोग कर क्लाइव नवाब विरोध में सैन्य चलना करते भागीरथी नदी कूल पलासी नामक स्थान में 1757 जून 23 तारीख दिन सिराज और क्लाइव मध्य युद्ध आरंभ होला। यही युद्ध क्षेत्र में मिर्जाफर और रायदुर्लभ विश्वासघातकता कले से युद्ध नक नीरव द्रष्टार अभिनय कले। सिराज यही युद्ध में परास्त हेले। इंग्रेज मैंने सिराज को मुर्शिदाबाद ठारे बंदी कर रखिथिले। मिर्जाफर पुत्र मीरन बंदीशाला सिराज को हत्या करदे। युद्ध पलासीटारे होती यह पलासी युद्ध कहगला। यह युद्ध पर इंग्रेज मैंने मिर्जाफर को बंगर नवाब कराई देले। मिर्जाफर नवाब हेला क्लाइव और अन्य इंग्रेज कर्मचारी मानक प्रचुर अर्थ प्रदान करते इंग्रेज मानक 24 प्रगणा अंचल को जमीदारी रूपे देदेले। कंपानी कर्मचारी को संतुष्ट करने बारंबार अर्थ देवा पड़ू थर आर्थिक अवस्था शोचनीय हो पड़ा एपरिक सैन्य मानक दरमा देवाई असमर्थ हो पड़े से किए मिर्जाफर। यही समय क्लाइव इंग्लैंड को फेरीगले। इंग्रेज कर्मचारी मैंने अधिक विशृंखलित अधिक अर्थलाभ में मिर्जाफर को सिंहासन विताड़ित कर जामाता मिर्कासिम को सिंहासन बसाई देले। मिर्कासिम नवाब हेला स्वाधीन भाव शासन करने स्थिर कले। इंग्रेज मान दूर रही शासन करने से निज राजधानी मुर्शिदाबाद ठार मुंगेर को उठाई नहीं शासन क्षेत्र में केतेक कर्मचारी मानक अपसारण करते
ଭାରତୀୟ ବଣିକ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ବଣିକ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କର ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଦେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଛାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ମୀର କାସିମ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରୁ ବାଣିଜ୍ୟ କର ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ, ଫଳରେ ଇଂରେଜ ବାଣିଜ୍ୟ କରର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜମାନେ ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ନବାବ ପଦରୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ମୀର କାସିମ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବକୁ ଆଶ୍ରିତ ହୋଇ ରହିଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସୁଜାଉଦ୍ଦୁଲ୍ଲା ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହା ଆଲାମ ମଧ୍ୟ ମୀର କାସିମଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହା ଆଲାମ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନବାବ ସୁଜାଉଦ୍ଦୁଲ୍ଲା, ମୀର କାସିମ ମିଳିତ ହୋଇ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଙ୍ଗର ନବାବ ମୀର କାସିମ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ସୁଜାଉଦ୍ଦୁଲ୍ଲା, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହା ଆଲାମ ମିଳିତ ହୋଇ ବକ୍ସାର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଏହାକୁ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ କୁହାଗଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ବିଜୟୀ ହୋଇଗଲେ। ସୁଜାଉଦ୍ଦୁଲ୍ଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ ପୁଣି କରାଇଦେଲେ। ଭାରତୀୟ ଶାସକମାନଙ୍କର ମିଳିତ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଲା। କମ୍ପାନୀକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର କ୍ଲାଇଭ୍ଙ୍କୁ ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ବଙ୍ଗର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ବାହ୍ୟ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। କ୍ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଥମେ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରଥା ରଦ୍ଦ କଲେ। କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟମାନେ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କୌଣସି ଉପହାର କିମ୍ବା ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଇନ କଲେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅବୈଧ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଉଥିବା ଭତ୍ତାର ପ୍ରଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କ୍ଲାଇଭ୍ ସୁଜାଉଦ୍ଦୁଲ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ 1765 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଅଯୋଧ୍ୟାର ନବାବ କୋରା ଓ ଆହ୍ଲାବାଦ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲେ। ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ ନବାବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ନିଜର ନିରାପତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ନବାବଙ୍କୁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହାଫଳରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା। କ୍ଲାଇଭ୍ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହା ଆଲାମ ଠାରୁ ବଙ୍ଗ, ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଦେୱାନୀ ଲାଭ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଭାର କମ୍ପାନୀ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଗଲା। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ବାଟ ଯାଇ ପଢ଼ିବୁ, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ଠାରୁ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।